हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर नीरज प्रकाश। आज 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, योगा हमारा एंशियंट साइंस है और ये हमारे बॉडी के फिजिकल कंडीशंस, मेंटल, साइकोलॉजिकल सभी कंडीशंस को इम्प्रूव करता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइंस है। तो इस ओकेजन पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग सम योगा पोस्चर्स। तो आज के इस वीडियो में आपको दो स्टेप्स बताऊंगा, दैट इज द सेतु बंद आसन एंड द पवन मुक्त आसन। साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे करते हैं, इसको मैं ब्रीफली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। सो लेट्स वॉच द वीडियो। ओके, थैंक यू। सो दिस इज द सेतु बंद आसन, हाउ टू परफॉर्म। तो आपको ऐसे सुपाइन पोजिशन में लेटना है, सीधा लेटना है, अपने हाथों को साइड में रखेंगे और अपने नी को बेंड करना है बारी बारी से और अपने पेल्विस से लगभग 10 से 12 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। ऐसा रखते हुए आपको अपर मिडिल एंड लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है। इनहेल करना पहले, फिर उठाना है, फिर इसको मेंटेन करना है लाइक दिस। और ग्रेजुअली आपका जो चिन है वो आपके स्टर्नम पे, इट मीन्स चेस्ट के पास टच कर रहा है। फिर एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इनहेल अप, सांस लेना है, ऊपर की तरफ जाना है, फिर सांस छोड़ना है, वापस आना है। ओके, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके जो बैक मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो थायराइड का ट्रबल है उसको कंट्रोल करता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ट्रबल है उसको कंट्रोल करता है, इवन जो अस्थमा और पेशेंट आपके ऑस्टियोपोरोसिस के हैं उसको भी क्योर करता है। साथ ही साथ आपके जो चेस्ट है, नेक है और स्पाइन को स्ट्रेच करता है और जो आपके बैक मसल्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, सो दिस इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। So now I am going to demonstrate about the Pavan Mukt Asan. So Pavan means air, Mukt means उसको release करना, Asan means position या pose. So how to perform? तो सबसे पहले number one में क्या करते हैं, अपने दोनों legs को straight ऊपर लेके जाते हैं about 90 degree. Then knee को bend करना है और bend करके towards abdomen अपने पेट की तरफ लाना है इसको, जितना press कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में या तो अपने हाथ को इंटरलॉक करेंगे या अपने आर्म से भी आप इसको प्रेशर दे करके थाई को अपने एब्डोमेन या पेट की तरफ लेके आना है, जितना इसको प्रेशर दे सकते हैं सेफ्टी एरिया में करते हुए। देन अपने हेड को और चिन को ऊपर उठाना है। सो पहले एक्सहेल कर लेंगे, फिर हेड को भी ऊपर लेके जाएंगे। इस पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। ये अगेन आपको नेक और बैक के मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है और बिकॉज आपके एब्डोमेन में एक कंप्रेसिव फोर्स वर्क कर रहा है तो ये हेल्प करता है जितने भी आपके एब्डोमेन के मसल्स हैं, जो पेट के मसल्स हैं, उसके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, नर्व को स्टिमुलेट करने में और पेट में जो भी ट्रैप एयर है, जो हवा फंसा हुआ है, उसको ये रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, सो इस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमारा जो एब्डोमेन मसल्स है उसके सारे ट्रबल को कंट्रोल कर रहा है। अब इसको रिलीज करने का तरीका क्या होगा, पहले हम इनहेल कर रहे हैं। सबसे पहले अपने हाथ को साइड में लाएंगे, उसके बाद नी को नॉर्मली हम ऊपर लेके जाएंगे और फिर वापस जो स्टार्टिंग पोस्चर था मेरा उसको मेंटेन करेंगे। ओके, सो दिस इज द पवन मुक्त आसन एक्सरसाइज।